तो गाइस आज मैं क्या बना रही है देख लो आप, ये इसको शायद पथरी कहते हैं ना, मुझे मैं तो पथरी कहती हूँ, अगर कुछ और कहते होंगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छे से वॉश हो गया है, अब मैं इसको बना रही हूँ और आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है। और रेनबो का भी आज बना है, आज रेनबो की क्या हो गई पार्टी, रेनबो आज पार्टी है ना, रेनबो की पार्टी, रेनबो का भी बन चुका है, तो मैं इसको बना रही हूँ, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को इसको किस कौन कौन ये पसंद करता है खाना, हमारे चश्मे में लाइट दिख रही है, कौन कौन पसंद करता है इसको खाना, और किसके हम वाइफ हस्बैंड एक्स वाई जेड जो भी है बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं पता नजर लाइट क्यों दिख रही है। मस्ती करना चाहिए ऐसी, उधर ध्यान मत दो क्योंकि इसमें दो तीन चिकन के पीस भी डालूंगी क्योंकि मेरी छोटी वाली जो है ना वो चिकन ये नहीं खाती है, उसको पसंद नहीं है ना कलेजी ना पथरी, तो दो तीन पीस भी डालूंगी। देखिए गाइस ये लहसुन और हरी मिर्च तो मैंने अपने लिए स्वाद के लिए डाला, और ये तीखी नहीं है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, ऐसी है मतलब, तो थोड़ा बहुत क्रंची के लिए डाला है, थोड़ा टेस्ट आता है ना क्रंची मुझे आता है। ये लहसुन को भी मैंने क्रश कर लिया है, और छोटे छोटे दो टमाटर है, ये मैं क्या बोलते हैं गावरानी देसी ऐसे कुछ कहते हैं ना वो, और ये मेरा मैजिक अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, दालचीनी बड़ी और छोटी सॉरी बड़ी इलायची, ये हमेशा मेरा रेडी रहता है फ्रिज में और बहुत अच्छा रहता है, ये रेडी रहता है तो कभी भी निकालो और बना लो। लेकिन मैं चिकन के लिए अलग से पेस्ट बनाऊंगी, थोड़ा और चाहिए ना पेस्ट, यही रहेगा मतलब जो है ये यही रहेगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा और बनाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं ये बना रही हूँ, इसमें दो तीन पीस चिकन भी डालूंगी, रुकिए आप। ये चार चिकन की पीस डाल रही क्योंकि छोटी वाली खाती नहीं, एक प्याज भी डालूंगी तड़का लगाने के लिए, वो मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि वैसे मैं डालती नहीं हूँ, मैं पेस्ट ही डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक प्याज और लहसुन को क्रश करके डालेंगे, थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपना अपना तरीका है ना, आप ज़रूर बताना आप लोग इस तरह से बनाते हो क्या। तो थोड़ा ये ग्रीन चिली तो ऐसे ही डाल दिया टेस्ट के लिए, और स्पाइसी नहीं, अगर स्पाइसी डालूंगी तो मेरी छोटी वाली खाएगी नहीं, और मैंने कहा नहीं जो पथरी है ना ये भी मैं छोटे नहीं खाती, इसलिए मैंने इसमें दो तीन पीस चिकन का डाला, वो चिकन खा लेगी आराम लगी कलेजी और पथरी खा लेंगी, है ना। बच्चों को जो पसंद हो वो खिलाना भी चाहिए क्योंकि नॉनवेज में हम ये खा रहे हैं और बच्चा नहीं खाए तो वैसे सब खाना चाहिए, तो मेरी छोटे वाली बहुत झिंझिर बिंदिर पड़ती चाय पड़ती रहती वो भी अगर, तो मेरा तेल गर्म हो गया है, धनी रही यार। और मैं इसमें क्या डालती हूँ, थोड़ा सा ड्राई, तो मैंने प्याज डाल दिया, तेल गरम हो गया था, मैं कैमरा ना ऑन करना ही भूल गई थी, ऐसा लगा कि ऑन है लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मैंने डाल दिया, ये हो रहा है, बाकी जो मैं डालूंगी आपको दिखाऊंगी। ओके मेरा प्याज हो गया है, अब मैं डालूंगी ये पेस्ट जो मैं बना के हमेशा रखती हूँ, अपने हिसाब से पेस्ट डाल सकते हो, ठीक है, जितना ये ज़्यादा नहीं है, आधा किलो पथरी है, हाँ आधा किलो पथरी है, तीन चिकन की पीस डाला उसमें मैंने, गुड़िया के लिए मैंने बताया ना कि वो नहीं खाती छोटी वाली, तो तीन चिकन की पीस है, तीन चार कलेजी है, बाकी इसको पथरी कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताना ज़रूर, ठीक है। और बहुत यमी और टेस्टी लगेगा इतना तो मुझे पता है, मैंने मटन कलेजी का भी ब्लॉग मेरा गया है, तो अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। अरे शायद हाँ किसी ने कमेंट किया था, तो थोड़ा हींग भी डालूंगी मैं क्योंकि मैं हींग डालती हूँ, वैसे ना रहे तो बात अलग है। आप इसको थोड़ा सा पका लेंगे मसाले के पेस्ट के साथ, और लो फ्लेम पे ही पकाना मसाला, क्योंकि लो फ्लेम पे मसाला जो पकता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वह जलता भी नहीं है, मैंने इसकी खांसी आ रही है, जाओ पानी पी लो बेटा, ये पानी अच्छा ठंडा है फ्रीज का। तो लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो इस जो मसाला है वो अपना नेचुरल ऑयल छोड़ देता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो उसको मैंने 5 मिनट लो फ्लेम पर उसको अच्छे से इसको भूजूंगी, फिर ये टमाटर डालूंगी। और मसाला मैं आपको बता देती हूँ, मसाले में सिर्फ मैं चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये हल्दी और धनिया बस यही लूँगी,
गरम मसाला जो पाउडर होता है ना वो मैं लास्ट पर बनने के बाद ऊपर से डालूंगी। तब मेरा ना पेस्ट हो गया अच्छे से। अब मैं इसको डाल रही हूँ इसमें टमाटर। इसको नहीं यार टमाटर क्या है, इसको और किसको करती हूँ मैं, किसको किसको करती रहती हूँ। ये टमाटर डालूंगी और इसी के साथ ये जो हमारे क्या बोलते त्रिदेवियाँ ही बोलो या त्रिदेवता बोलो जो भी बोलो, ये जो मसाले हैं ये डालूंगी। यही हमारे स्वाद और टेस्ट बढ़ाते हैं ना। हाँ, इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालिए और हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। हम कैसे हम बहुत चटपटा खाते हैं। ये मैंने जो इसके पीस थे वो मैंने डाल दिया और ऑन करना भूल गई थी, तो सॉरी भूल मतलब मुझे लगा ऑन है कैमरा लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मसाला मेरा पेस्ट सब रेडी हो चुके थे, वो आपने देख ही रख चुका है। उसके बाद जब मसाला पेस्ट रेडी हो जाए तो जो भी आप आपके पीसेस हैं पथरी कर लीजिए एक्सपायरेड, आप उसको डाल दीजिए जैसे, और दो दो मिनट पे, दो या तीन मिनट पे उसको छोड़ दीजिए लो फ्लेम पे और उसको चलाते रहिए दो दो तीन तीन मिनट चेक करते रहिए। इसका नेचुरल कुदरती जो पानी होता है वो खुद छोड़ता है, इसमें पानी आप मत डालिए। अगर आप एकदम ऐसे उसी पानी और ग्रेवी में मतलब उसी तेल में उसी मसाले में बना के खाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट, और अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी लगाना चाहते हैं तो लगाइए लेकिन ज़्यादा नहीं। मुझे इसे बनाने देखिए, ये देखिए इसमें जो थोड़ा हल्का ग्रेवी दिख रहा है उधर मेरा चावल पक रहा है, राइस चढ़ाया मैंने, ये देखिए तो दिख रहा होगा इतना। देखिए रेडी हो गया है और मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला था ग्रेवी के लिए, आधा कप जो हम चाय पीते हैं ना उससे आधा कप छोटा वाले कप से। और ये बाकी इसका तो टमाटर का और इसका खुद का नेचुरल पानी है, तो क्योंकि राइस खाना है इसीलिए बहुत यम्मी टेस्टी बना है गाइस, रियली रियली। आप भी बनाना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ टेस्टी बना है क्योंकि मैंने ग्रेवी का थोड़ा सा टेस्ट चेक किया था कि नमक कैसा है ये सब, रियल में बहुत टेस्टी बना है। ज़रूर बनाना आप रीना स्वीट होम एंड किचन के स्टाइल से, और कमेंट करना मुझे और कोई रेसिपी चाहिए होगी नॉनवेज में ज़रूर बताना, वेज में ज़रूर बताना, ठीक है। वेज खाने वाले वेज बताना, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज बताना, ओके। तो मैं इतना नॉनवेज में ओनली सिर्फ मटन चिकन और फिश अंडा बस यही यूज़ करती हूँ, अदर यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ी देर अगर इसको 5 मिनट छोड़ देंगे ना तो ये जो ग्रेवी है ना ये भी मतलब अब्जॉर्ब हो जाएगी, एकदम थिक ऐसी हो जाएगी। कभी देखना ट्राई करके, अगर आप जैसे कोई चीज़ ऐसे बनाते हो ना थोड़ा सा, ये देखिए ग्रेवी तो है ही नहीं नॉर्मल ही है, 5 मिनट इसको छोड़ दूंगी ना तो और थिकनेस इसमें आ जाएगी। कभी देखना आप घर में अगर से जब बनता है तो, ये तो आप लोग को भी पता होगा। चलिए बाय बाय, लव यू। 2-3 बार बोल दिया यार।